देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि भारत को डिजिटल बनाया जाएगा, लेकिन इस घोषणा के कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्य सरकारी कार्यालय भी डिजिटल नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के तौर पर सोलन की नगर निगम को ले लो, आज भी सब काम कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं जैसे आज से दशकों पहले किए जाते थे। डिजिटल नाम की कोई योजना यहां आज तक शुरू ही नहीं हो पाई है। नगर निगम में आज भी बिल कतारों में लगकर जमा करवाए जाते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जब घोषणा कर रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में कार्य डिजिटल माध्यम से होगा, तो अभी तक नगर निगम ने बिल जमा का काम ऑनलाइन क्यों नहीं शुरू किया। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी कार्य छोड़कर शहरवासियों को कतारों में लगना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए वे चाहते हैं कि नगर निगम जल्द से जल्द सभी बिलों को ऑनलाइन करे, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस सुविधा के आरंभ होने से जहां नगर निगम का समय बचेगा, वहीं आम जनता को भी लाभ पहुंचेगा। देखिए, जब बिजली के बिल ऑनलाइन जमा हो रहे हैं तो पानी के बिल भी ऑनलाइन जमा होने चाहिए। और मैंने कई बार देखा है कि पानी के बिलों के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती है, जिसमें कई बार टाइम भी गुजर जाता है, एक बज जाता है, डेढ़ बज जाता है, और ऑफिस से जो है बिल जमा कराने वाले उठ जाते हैं वो, और फिर नेक्स्ट डे फिर जाना पड़ता है दोबारा। तो मेरा अनुरोध है निगम वालों से कि अब ऑनलाइन बिल पे की बढ़िया स्कीम होनी चाहिए। खुशी है कि हमारा जो सोलन है वो नगर निगम बन चुका है, और नगर निगम बनने के बाद यहाँ पे सुविधाओं में जो अभी कमियाँ हैं, उसमें जो आपने ये आपके माध्यम से जो आपने उठाई है ये बात कि पानी के बिल जो है वो अभी भी ऑनलाइन जमा नहीं हो रही, ये सच्चा है कि पानी के बिल आज भी ऑनलाइन नहीं जमा हो रहे, वहाँ जाके जमा कराने पड़ते हैं। और आजकल कोविड का टाइम है, वहाँ रश हो जाता है, और वहाँ टाइमिंग की भी बड़ी दिक्कत आती है कि अब एक बज गया है, दो बज गए, अब जमा नहीं होंगे, अब तीन बज गए, अब कल आना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो हम चाहेंगे कि नगर निगम बनने के बाद सबसे पहला जो स्टेप हमारे जो भी अब ऑफिसर और जो भी आए हैं उनको ये चाहिए कि इसको सबसे पहले पानी के जो बिल है उसको ऑनलाइन जो है वो जमा कराने का सुविधा प्रदान करें सोलन वासियों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जैसे कॉरपोरेशन बन गया है, कॉरपोरेशन के बनने से इनको जो बिल है वो ऑनलाइन पे होने चाहिए, ये तो उनको सबसे पहले काम करना चाहिए। अब जैसे कोविड दोबारा रिवाइव हो रहा है, कीपिंग इन व्यू ऑफ सीनियर सिटीजन एंड एवरीबॉडी, नॉट ओनली सीनियर सिटीजन एवरीबॉडी, ऑनलाइन पेमेंट का इनको इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको फास्ट मूवमेंट पर करें और जल्दी करें, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में मैं एक और चीज की कंप्लेंट कहना चाहूंगा, कुछ जगह में बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ठीक है, कोई टेक्निकल वर्क होगा, बट दे शुड टेक केयर ऑफ इट। और अब आप ये भी हमें पता है कि स्रोत सूख गए हैं, पर आपका दो दो दिन के बाद पानी आ रहा है अभी से। द मैनेजमेंट IPH पीपल शुड टेक केयर, उनको अपना इस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए कि पानी रेगुलर मिले। और एक और बहुत बड़ी कंप्लेंट कर रहा हूँ कि मेरे घर में घर का बिल अभी मेरे ख्याल 4 महीने से आया नहीं है, तो जब बिल ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली मैं चू चू करूँगा। मेरा ये ख्याल है कि स्लाइटली अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपना काम ढंग से करें। ये क्या है कि अभी बिल आ ही नहीं रहे, और आप ये जो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन ये पेमेंट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड दोबारा रिवाइव हो रहा है, और कीपिंग इन व्यू सोशल डिस्टेंसिंग करके आपको ऑनलाइन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको करें।